राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों और किसानों ने गांधी चौक नीमताल से रैली निकालकर कलेक्टर में नवागत कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व कलेक्टर में ज्ञापन लेने पहुंचे तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम को उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया, पर कलेक्टर को ही ज्ञापन देने की जिद पर थे। करीब एक घंटे के बाद कलेक्टर के आने पर उनको ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कलेक्टर चैम्बर के बाहर बैठकर उन्होंने भजन और गीत गाया। ज्ञापन में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल राज ने बताया कि विदिशा जिले और प्रदेश की कई समस्या जो किसानों की है उन्हें हल करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। सबसे प्रमुख समस्याओं में सतपाड़ा सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले किसानों को सोसाइटी में हुए बड़े घोटाले से हो रही परेशानियों से निजात दिलाने की मांग की गई। साथ ही संगठन के अन्य पदाधिकारी लोकेंद्र राणा ने बताया कि दावतपुर डीप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए विदिशा के 49 किसानों से 550 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई, जिसमें मामले की जांच करके दावतपुर का लाइसेंस निरस्त करने की मांग उनके द्वारा की गई। देखिए, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के तत्वाधान में आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। उन्होंने नई ज्वाइन की है तो वो शायद अपने काम में व्यस्त थे, इस कारण से वो लेट आए, उन्होंने ऐसा बताया। हम लोगों ने इंतज़ार किया और उनको ज्ञापन दिया है। मुख्य मुद्दे जो सार्वजनिक मुद्दे विदिशा जिले के थे और पूरे प्रदेश के भी थे, उसमें था फसल बीमा की जो 2020 की एक भी किस्त नहीं आई है, 19 की जो किस्तें बकाया हैं वो, अतिवृष्टि का और आतराशि का मुआवजा, इसके बाद जो हलाली बांध से छूटे हुए गांव हैं उनकी नहर का विषय था, और एक बड़ा मुख्य विषय ये था कि जो सतपाड़ा सराय सोसाइटी में 5 करोड़ का घोटाला हुआ है, किसानों ने अपना पैसा बैंक में जमा किया, उनको रसीदें प्रबंधक की तरफ से दी गई, लेकिन बाद में पता चलता है कि प्रबंधक जो द्विवेदी थे वो आत्महत्या कर लेते हैं, और जब किसान नए प्रबंधक के पास मिलने जाते हैं वो कहते हैं साहब आप तो डिफॉल्टर हो, आपका तो पैसा ही जमा नहीं हुआ। तो ये जो घोटाला हुआ है इसके लिए हमने नए कलेक्टर साहब को बताया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी, और हमने ये मांग भी की है कि जो सुसाइड नोट करारिया थाने में उन प्रबंधक महोदय का था उसको भी सार्वजनिक किया जाए। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।